अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन पूरे धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति और शुभ मुहूर्त में भव्यता के साथ हो रहा है। बताया जा रहा है 400 साल बाद किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन इतने भव्य स्तर पर हो रहा है। BHU के पुरातात्विक एक्सपर्ट ने अध्ययन के बाद यह दावा किया है। BHU के पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर अशोक सिंह ने बताया कि 400 साल पहले 17वीं शताब्दी में काशी के बाबा विश्वनाथ और गया में विष्णु मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन इतना भव्य हुआ था, जिसकी तैयारियां महीनों चली थी। यह प्राण प्रतिष्ठा पूजा महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। उस समय भी इस आयोजन में सभी राजाओं को बुलाया गया था और कई दिनों तक पूरे विधि विधान से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजन हुई थी। देखिए, ये जो भव्य आयोजन राम मंदिर का हो रहा है, जहाँ तक इतिहास की बात है, अगर इसमें देखा जाए तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जब विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ उन्होंने गया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये दो साक्ष्य हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आज से करीब 400 साल पहले इस तरह का आयोजन महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। और उसके बाद आज वर्तमान में ये जो भव्य आयोजन हो रहा है राम मंदिर का, वो हमें देखने में मिल रहा है। अब किस स्तर का ये कार्यक्रम होता था 400 साल पहले, उसमें क्या कम्युनिटी देखी जा रही है? अब उस समय तो राजाओं का ये मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो जब भी मंदिर बनाया जाता था तो उसका बहुत भव्य आयोजन होता था। आसपास के सभी राजाओं को बुलाया जाता था, सारे सम्भ्रांत व्यक्ति आते थे और उसकी बहुत लंबी परंपरा चलती है। बल्कि ऐसा देखा जाए कि 15 दिन महीने भर उसका जो कार्यक्रम चलता था, पूजा होता था, तमाम तरह के वो किए जाते थे, तिथि तय की जाती थी, मुहूर्त तय किया जाता था, ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। तो उसी परंपरा में लेकिन ये कार्यक्रम 400 साल बाद आज हो रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोगों के जीवन में ये कार्य हम लोग देख पा रहे हैं।